नमस्कार, मैं काजल निषाद। बहुत अच्छी खबर है कि विकास दुबे जो है वो एनकाउंटर में मारा गया। अब ये एनकाउंटर था या सोची समझी साजिश थी ये तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ, एनकाउंटर नहीं करते और रिमांड में लेते तो शायद कुछ राज उजागर होने का डर था किसी को, शायद ये कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है। लेकिन आप सोचिए, ये बिल्कुल जो है फिल्म की स्टोरी की तरह चल रहा है। आप सोचिए कि इतना बड़ा शातिर अपराधी पहले निहत्ता आकर अपने आप को सरेंडर करवाता है और फिर क्या वो भागने की कोशिश करेगा? अगर उसे भागना ही होता तो वो पहले ही भागा फिरा था क्यों? और मुझे ये भी लगता है कि कितने लोगों को लगेगा कि इसके मौत के साथ सारे राज खत्म हो गए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत राय है, मुझे ये लगता है कि इतना शातिर अपराधी ऐसे ही चुपचाप चला जाएगा, चुपचाप अपने आप को सौंप देगा। क्या उसे अंदेशा नहीं था कि उसका एनकाउंटर भी हो सकता है? मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो शायद कोई वीडियो बना के गया होगा, अपने दोस्त मित्र को ये दे के गया होगा कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, शायद किसी ने मुझे कॉल करके या छासे में लिया होगा कि भाई तुझे कुछ नहीं करेंगे, आजा भाई। उसकी पहचान तो बड़े बड़े नेताओं में थी ना, तो हो सकता है कि उसे छासे से बुलाया गया हो और फिर उसका एनकाउंटर करके सारे राज दफन करने की ये जो कोशिश हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक वीडियो भी बना के गया होगा, अपने दोस्त यार को दे के गया होगा कि अगर मेरा एनकाउंटर हो जाता है तो ये वीडियो जो है वो जारी कर देगा। ये मेरी अपनी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना शातिर था तो शायद ये कुछ करके गया होगा। वैसे आपकी क्या राय है?